Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं 2016 हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर स्ट्रेंजर इन द हाउस के बारे में। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड मैन से मिलते हैं, मिस्टर वेन ग्रिगसन। वो एक बिजनेस टाइकून है, बहुत पैसा है उनके पास, मगर एक साल पहले एक एक्सीडेंट में उनके पत्नी की मौत हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए व्हील चेयर बाउंड हो गए। अभी पूरा दिन घर में ही रहते हैं। पहले से ही रूट थे, अभी शायद फिजिकल कंडीशन के वजह से और ज्यादा बिटर हो गए हैं, डिप्रेस्ड रहने लगे हैं। उसकी बेटी जेड और उसका दामाद मार्को उसका ख्याल रखते हैं। मार्को बाय प्रोफेशन एक कंस्ट्रक्टर है। इंसान अच्छा है सिर्फ उनके बराबरी का नहीं, इसीलिए वेन उसे पसंद नहीं करता। जेड और मार्को के शादी को ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है, मगर अभी तक वो लोग हनीमून पे जा नहीं पाए, सिर्फ एक ही कारण से, वेन। वो जेड को अपने नजरों से दूर करना नहीं चाहता। इनफैक्ट वो तो ये तक नहीं चाहता कि जेड जॉब करे, उसे कोई नर्स भी पसंद नहीं आता, तो जेड को ही सब कुछ करना पड़ता है। फिलहाल मार्को का घर कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए जेड यहाँ पर रह रही है, मगर कभी ना कभी तो उसे जाना होगा। तब फाइनली वो लोग प्रोफेशनल केयर गिवर को हायर करने की डिसाइड करते हैं, एंड लक बाय चांस जो फर्स्ट लेडी आती है इंटरव्यू देने समांथा, वो ही इन लोगों को पसंद आ जाती है। वेन इनिशियली तो मना करता है, मगर आखिरकार उसे भी मानना ही पड़ता है। जेड भी समांथा को सब कुछ समझा बुझा कर निकल पड़ती है मार्को के साथ। उनके जाने के बाद कुछ दिनों तक वेन को प्रॉब्लम होती है समांथा को अपनाने में, मगर सिचुएशन चेंज होने में समय भी नहीं लगता। बहुत तेजी से समांथा प्रोफेशनल बाउंड्री को पार करके वेन के पर्सनल लाइफ में घुस जाती है। और जब एक महीने बाद जेड और मार्को लौटते हैं, उन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। पता चलता है वेन और समांथा ने शादी कर ली। समांथा की तो एटीट्यूड ही बदल गई है, ऐसा लग रहा है ये उसका घर है और जेड यहाँ पर मेहमान है। जेड को बहुत खराब लगता है, वेन ने उसे एक बार भी पूछा तक नहीं। एट लीस्ट उसके आने तक वेट तो कर सकते थे, मगर जवाब में वेन डायरेक्टली कह देता है उसकी लाइफ उसकी मर्जी, जेड को इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। जो डैड जेड के बिना कुछ सोच नहीं सकते थे, वो आज ऐसे अजनबी की तरह बर्ताव कर रहे थे। जेड समझ चुकी थी समांथा ने उसका ब्रेन वॉश कर चुकी है, वो तो अभी जेड को इस घर में रखना भी नहीं चाहती। जेड को बहुत ह्यूमिलिएटिंग फील होता है, वो तभी घर छोड़ना चाहती थी, मगर मार्को इंसिस्ट करता है उनके घर को कंप्लीट होने में वक्त लगेगा, तब तक जेड को एडजस्ट करना ही होगा। वैसे भी अगर वेन समांथा के साथ खुश है तो जेड को भी तो खुश होना चाहिए उसके लिए। जेड रह जाती है इस घर में, मगर अगले कुछ दिनों में वो वेन को बदलते हुए देखती है। वो समझ चुकी थी समांथा एक गोल्ड डीगर है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए वेन से शादी की है और वो ही उसे जेड के खिलाफ भड़का रही है। मगर सब कुछ समझने के बावजूद जेड कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि कुछ दिन बाद ही वेन की मौत हो जाती है घर के पास वाले क्लिफ से गिरकर। जब समांथा की नजर पड़ी तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। जेड को यकीन था ये कोई एक्सीडेंट नहीं खून है, क्योंकि वेन कभी उस क्लिफ के आसपास भी नहीं जाते थे। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, चिल्लाने लगती है समांथा पर, मार्को के हजार बार समझाने से भी नहीं समझती। इसी हॉस्पिटल में उसे एक डिटेक्टिव मिलता है, ल्यूक हार्पर। वो एक दूसरे केस के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जेड उससे जाके बात करती है, अपना शक जाहिर करती है और फिर ऑटोप्सी के लिए रिक्वेस्ट करती है। शी वाज प्रीटी श्योर ऑटोप्सी में कुछ तो निकलेगा, मगर उससे पहले ही उसे और एक झटका लगता है। उनके फैमिली लॉयर उन्हें वेन के विल के बारे में इन्फॉर्म करता है, जहां वेन ने रिसेंटली कुछ बदलाव किया था। उसने शादी के बाद सब कुछ समांथा के नाम कर दिया था। जेट के नाम सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी और अपने मां के ज्वेलरीज थे। जेट को इस चेंज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। समांथा कहती है वेन को डर था जेट इस विल को काउंटर कर सकती है, इसीलिए समांथा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने सीक्रेसी मेंटेन किया। समांथा तो बिल्कुल हैरान हो चुकी थी, वेन उसे डिप्राइव कैसे कर सकते हैं। वो इस विल के अगेंस्ट केस फाइल करने की डिसाइड करती है, जाती है पुलिस स्टेशन लुक से मिलने, और लुक बताता है वेन की ऑटोप्सी नहीं हो पाई क्योंकि लाश ऑलरेडी दफन हो चुकी है समांथा के ऑर्डर से। प्राइमरी चेकअप से डॉक्टर्स को कोई भी शक नहीं हुआ, इसलिए किसी ने अपोज भी नहीं किया। सबको लग रहा था ये एक एक्सीडेंट है, इवन मार्को को भी, मगर जेड नहीं मानती। फ्यूनरल के दिन तो समांथा बहुत बड़ा तमाशा करती है, नशे में चूर होकर सबके सामने ऐसे सिंक्रेट करती है कि उसे देख जेड को ही शर्म आने लगती है। मार्को उसे संभालता है, लगता है बंदा सच में ही जेंटलमैन है। वेन के प्रॉपर्टी को लेकर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
मगर जेट को पड़ता है। इस समांथा के साथ एक ही घर में रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एक तरफ वो कहती है कि वो वेन से सच में प्यार करती थी, दूसरी तरफ पार्टी करने की बात करती है। जेट का शक दिन में दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन कहीं कोई सबूत नहीं मिल रहा था। वो खुद एक लॉयर है, उसने समांथा को हायर करने से पहले ही उसके प्रोफेशनल कैपेबिलिटी को क्रॉस चेक किया था, मगर उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उस वक्त जरूरी भी नहीं लगा था, आज लग रहा है। तो वो उस डिटेक्टिव को समांथा के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने के लिए कहती है, और वो खुद सारे पेपर्स रेडी करके अपने फैमिली लॉयर के पास जाती है वेन के विल को कंटेस्ट करने। ये एक प्राइवेट मीटिंग होने वाला था, फिर भी न जाने कैसे समांथा को पता चल गया और वो आ गई जेट को एविक्शन नोटिस हैंडओवर करने। जेट और मार्को को उसी दिन घर छोड़ना पड़ता है। वो लोग होटल में शिफ्ट कर जाते हैं। फिर भी समांथा का मन नहीं भरा, उसने जेट के अगेंस्ट फिजिकल असॉल्ट का केस डाल दिया। लुक आया जेट को इन्फॉर्म करने, उसे समांथा के बारे में कुछ भी रिमार्केबल नहीं मिला जिस पर सवाल उठाया जा सके। बेहतर होगा अगर जेट पर्सनली जाके उससे माफी मांग ले और उसे इस केस को विथड्रॉ करने के लिए कहे, नहीं तो वो फंस जाएगी, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। जेट कोई रिस्क नहीं लेती, वैसा ही करती है। उसे रात जाके समांथा से माफी मांग लेती है, उसे उस घर की चाबी भी हैंड ओवर कर देती है और फिर घर आकर सो जाती है। मगर सुबह होने से पहले पुलिस आती है उसे अरेस्ट करने। पता चलता है कल रात समांथा का खून हो गया है और पुलिस को लगता है ये खून जेट ने किया है। उस घर के सर्वेंट्स ने लास्ट बार जेट को ही निकलते हुए देखा था उस घर से। वहां टेबल पर, वाइन ग्लास पर, दरवाजे पर, हर जगह जेट के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। टाइम भी परफेक्टली मैच कर रहा था, उसके पास मोटिव भी तो है। जेट अपने दोस्त शैंटल को कॉन्टेक्ट करती है एज एन अटर्नी। जेल में पूछताछ करते वक्त लुक को भी कहीं ना कहीं लग रहा था जेट बेकसूर है, तो वो ज्यादा फोर्स नहीं करता। बेसिक इंटरोगेशन के बाद जेट को बेल मिल जाता है। मार्को उसे लेकर कुछ दिन फार्म हाउस में बिताता है और उसके बाद वेन के घर में लौट जाता है, जो लीगली एंड टेक्निकली फिर से जेट का हो चुका है। उसे अपना सब कुछ वापस मिल चुका था, मगर फिर भी कुछ ठीक नहीं था। जेट परेशान रहने लगी थी, डिप्रेस्ड भी। जब तक समांथा के रियल खूनी का पता ना चल जाए, उसे भी आजादी नहीं मिलेगी। मार्को उसे काउंसलिंग के लिए ले जाता है। उसे लगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो जेट कभी सुसाइड ना कर ले। इस बारे में वो जेट के बेस्ट फ्रेंड शैंटल को भी इन्फॉर्म करता है, जेट को समझाने के लिए कहता है। मगर जेट को किसी मेडिकल हेल्प की नहीं बल्कि लीगल हेल्प की जरूरत थी। लुक के अलावा तो कोई उसके बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। तो वो फिर से उससे मिलने जाती है, कहती है कोई उसे फंसा रहा है, मे बी समांथा का कोई पार्टनर इन क्राइम, जिसके साथ मिलके उसने वेन का खून किया था। वो शायद दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और समांथा को मार के उसने जेट को फ्रेम कर दिया। एग्जैक्टली यही बात लुक के दिमाग में भी आई थी, मगर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में उसके किसी भी अलाय के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। जेट के फोर्स करने पर लुक उसे समांथा के पुराने एड्रेस पर ले जाता है। उस घर की मालकिन एक ओल्ड लेडी थी, जिससे बात करके जेट और लुक को एक क्लू मिलता है। पता चलता है ये घर असल में कभी समांथा के पेरेंट्स का हुआ करता था, मगर कुछ साल पहले उन लोगों ने अपने लाइफ का पूरा सेविंग्स किसी फ्रॉड स्कीम में हार गए, बर्बाद हो गए वो लोग। उन्हें ये घर बेचना पड़ा, बाद में वो एक मोटल में जाकर सुसाइड कर ली। समांथा तब दूसरे सिटी में थी स्टडी पर्पस से। वापस आकर सारी सच्चाई जानकर वो जैसे बदल सी गई, बहुत मूडी बन गई, डिप्रेस्ड रहने लगी। पूरा दिन कमरे में बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। उसके बाद एक दिन अचानक उसने ये घर छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ ना इस लेडी को पता है, ना जेट को जानने की जरूरत है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है। जेट को अपना सारा जवाब मिल चुका था। यहाँ पर रिवील होता है समांथा के पिता ने जिस शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किया था, वो एक्चुअल में वेन और उसके दोस्त के कंपनी शेयर थे, एक पोंजी स्कीम। समांथा के जैसे और भी हजारों परिवार वेन के बेईमानी का शिकार बने थे। एक वक्त बहुत हलचल हुई थी इस केस को लेकर, न्यूज़पेपर हेडलाइन बन चुकी थी ये केस। कोर्ट में तो वेन ने खुद को बेकसूर साबित कर दिया, मगर आम लोगों के नजरों में वो विलन बन गए थे। ऐसे में समांथा रिवेंज लेगी, ये तो नॉर्मल है। तो यहाँ पर वेन का मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गया, लेकिन समांथा का खून किसने किया, इसका जवाब यहाँ उन्हें नहीं मिला। लुक फर्दर इन्वेस्टिगेट करने का प्रॉमिस करता है। न जाने कि उसके दिमाग में बार बार मार्को का नाम आ रहा था। जेट से पूछने पर वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है इस बात को। मार्को उसे बहुत प्यार करता है, इस सब में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता।
मगर फिर भी ल्यूक इन्वेस्टिगेट करता है, लोगों से पूछताछ करता है और ढूंढ निकालता है मार्को के बैकग्राउंड को। उसे मिलता क्या है ये तो हमें पता नहीं चल पाता, मगर उसी रात जब इस ओल्ड लेडी का खून हो जाता है तो ल्यूक का पहला शक मार्को पर ही जाता है। उसके इस मैटर को लेकर इतना केयरलेसनेस, ल्यूक को कुछ हजम नहीं हो रहा था, बहुत फेक लग रहा था उसका इग्नोरेंस। लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ होता है। जेड जाती है अपने घर का कंस्ट्रक्शन देखने, मगर वहां तो खाली जमीन पड़ी थी, काम शुरू भी नहीं हुआ था। मतलब मार्को ने इतने दिनों से उसे झूठ कहा, मगर क्यों? जेड बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है, कन्फ्रंट करती है तो मार्को बताता है उसने इंटेंशनली जेड को गलत एड्रेस दिया था, क्योंकि ये घर जेड के लिए सरप्राइज होने वाला है। जेड उसके जवाब से रिलैक्स हो जाती है, आराम से बैठकर वाइन पीने लगती है, मगर इसी पॉइंट से सब कुछ बदलने लगता है। जेड को नेक मसाज देते देते मार्को कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे उसका डार्क साइड जेड के सामने विजिबल हो जाता है। यह फ्लैशबैक में हमें पता चलता है ल्यूक का शक बिल्कुल सही था, मार्को ही था समांथा का पार्टनर इन क्राइम। शुरू से लेकर सब कुछ उन्होंने मिलकर प्लान किया था। समांथा का इस घर में आना, अपने मीठी मीठी बातों से वेन का दिल जीतना, उसका ब्रेन वॉश करके सब कुछ अपने नाम कर लेना और फिर मार्को के साथ मिलकर उसे क्लीफ से धक्का मारकर नीचे फेंक देना, सब कुछ प्लान वाइज चल रहा था। मगर बीच में समांथा कुछ ज्यादा ही ग्रीडी हो पड़ी, शायद सब कुछ अकेले हजम करना चाहती थी, इसलिए मार्को को उसे मारना पड़ा। उस दिन जब जेड समांथा से मिलने गई थी वो वहीं पर था। जेड के निकल जाने के तुरंत बाद ही खून कर दिया समांथा का और फिर छुपके से निकल गया घर से, और अभी वो जेड को भी मार डालेगा जिससे वेन के प्रॉपर्टी का राइटफुल हेयर वो बन जाए। उसी ने उस ओल्ड लेडी का भी खून किया था। वो लेडी उसे पहचानती थी एज समांथास बॉयफ्रेंड, बहुत दिनों से नहीं देखा इसीलिए शायद भूल गई थी, मगर इंटेरोगेशन में जरूर उसे याद आ जाता, उसे चुप करवाना जरूरी था। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि एक साल पहले जिस एक्सीडेंट में जेड की माँ की मौत हुई थी वो भी मार्को ने ही प्लान किया था, उसका निशाना तो वेन था, बेकार में उसकी बीवी मर गई। मगर उसने ये सब कुछ सिर्फ समांथा के लिए नहीं किया, उसका अपना परिवार भी उस फ्रॉड का शिकार हुआ था, उसे भी बदला चाहिए था। इतने दिनों से वो जेड से प्यार का नाटक कर रहा है, साय की तरह उसके हर एक स्टेप को फॉलो कर रहा है, अभी वो अपने मंजिल से बस एक ही कदम दूर है। उसने ऑलरेडी समांथा के वाइन में सिडेटिव्स मिला दिया है, बेहोश होने के बाद सिर्फ उसे बाथटब में सुला देना है, वहां पर उसकी मौत हो जाएगी पानी में डूबकर। पुलिस के लिए एक सुसाइड नोट रेडी है जहां जेड ने डिक्लेयर किया है कि वो और मेंटल स्ट्रेस नहीं ले सकती, इसीलिए सुसाइड कर रही है। सब कुछ रेडी है तो मार्को अपना काम स्टार्ट कर देता है। उधर शैंटल और ल्यूक दोनों ही जेड को कॉल कर रहे थे जो ऑब्वियसली वो उठा नहीं पाती, तो दोनों ही निकल पड़ते इस घर की तरफ। ल्यूक को जरूर इस मार्को के बैकग्राउंड में उस फ्रॉड का कोई कनेक्शन दिखा होगा, इसीलिए उसे पता था मार्को डेंजरस हो सकता है, तो वो शैंटल को बार बार मना करता है मगर वो नहीं रुकती। बेचारी को बेमौत मरना पड़ता है मार्को के हाथ, मगर अपने मेन शिकार को मार्को मार नहीं पाता। जेड किसी तरह खुद को संभाल के घर के बैक साइड में जाकर छुप गई थी। मार्को जैसे ही वहां आ पहुंचा, जेड उसे कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी करके उसके ही चाकू से उसे मार डालती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है जेड ने अपना घर बेच दिया है, अपने सारे प्रॉपर्टीज पॉलिसीज सब कुछ बेचकर वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जिन्हें उसके पिता ने चीट किया था। वो वेन की तरह नहीं है, उसके लिए ह्यूमैनिटी, प्यार और सम्मान पैसे से कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर से सारे एलिगेशन हट गए थे, तो होपफुली अभी वो नई तरीके से अपनी जिंदगी स्टार्ट कर पाएगी किसी ट्रू पार्टनर के साथ। दी एंड। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, काफी सिंपल सी कहानी है लेकिन थ्रिलिंग है, मुझे ये कहानी पर्सनली पसंद आई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।